कोई भी बाबा जी आ गया कोई भी गुरु जी आ गया बैठ गए उसके साथ अंगारा लगाने लग गए शहर में तक तो शहर में ऐसे भी लोग हैं कि जो पेट में तकलीफ गुरु का स्थान तो पेट में है फिर आपको तकलीफ क्यों इस पर कोई सोचता भी नहीं और जब मेरे पास आएंगे तो कहे माँ हम तो इतने भगवान के मंदिर बनाए हमने इतना ये किया तो भी देखिए हम इतने कैसे मैं कहती हूं कि सब गलत काम कर दिया आपने अभी आपका तो कनेक्शन ही नहीं हुआ इसका अगर कनेक्शन नहीं हो तो मैं इसमें बोलूँ तो आपको सुनाई देगा टेलीफोन का कनेक्शन कर लो फिर टेलीफोन करो एक सीधी सी बात है कि हमारा उनसे संबंध ही नहीं हुआ और हम चाहते हैं कि हम जो परमात्मा से कहते हैं वो सुने और फौरन देते जैसे कोई हमारे जेब में रखा है भगवान लेकिन जब संबंध हो जाता है जब आपका परमात्मा से संबंध हो जाता है तब आप जान सकते हैं कि आप में क्या दोष है और औरों में क्या दोष है पर तब आप दोष इस तरह से नहीं कहते कि इनको ये पागल हैं या ये बड़े मुजोर हैं ये बदतमीज है ये नहीं कहते आप, आप क्या कहते हैं कि उनका आज्ञा चक्र पकड़ा और खुद आप आकर मुझसे कहेंगे माँ मेरा आज्ञा पकड़ा मुझे ठीक करो खुद आकर आप मुझे कहेंगे क्योंकि आप अपने बारे में जानने लगते हैं यही अपने बारे में जानना ही सेल्फ नॉलेज है यही आत्म प्रकाश है पर इसके साथ ही साथ आप औरों के बारे में भी जानते इतना यह महान प्रचंड कार्य है आश्चर्य तो यह है इस भारतवर्ष में जहां पर कि कुंडलिनी के बारे में नानक साहब ने और दास जी ने बहुत कुछ कहा वल्लभाचार्य ने धर्म में कहा है वो सब कुछ मटियामेट हो गया और ऐसी जगह में पहुंची जिसे कहते हैं रशिया जहाँ पर की कुंडलिनी का तो नाम छोड़ो भगवान का भी कोई नाम ले नहीं लेता ना, ना जाती ना पाती ना जा कोई धर्म ना कुछ, ना कुछ कुछ और आप हैरान होंगे कि ,000, ,000 से कम लोग नहीं आते और वहां चार डॉक्टर सहयोग कर रहे हैं आप पता कर लीजिए मैं झूठ बोल रही हूँ तो और दो साइंटिस्ट बैठे कहले मां साइंस मत बताना साइंस बहुत हो गया हम वो पराकोटी को चले गए उन्होंने लांग ली सारी मर्यादाएं और आप कहते कि इस दहली से हमें हटाओ इस थ्रेषोल से हमें हटाइए और हमें ले चलिए वहां जहां पर आध्यात्म का प्यार और अध्यात्म की मिठास ये सब कुछ है जब ये आपके कल्याण के लिए जब आपके ये हित के लिए और आप देख लीजिए इन लोगों का मुख्य कितना तेज है और जब इसको पाते ही आपको कोई शारीरिक व्याधि मानसिक व्याधि कोई तरह की व्याधि नहीं हो सकती जब आपके बच्चे और आपकी गृहस्थी ठीक हो सकती है और सारा संसार जिससे ठीक हो सकता है और जिसके लिए आपको कुछ प्रयत्न करना नहीं आपको कुछ पैसा देना नहीं तब फिर आप इसे क्यों नहीं प्राप्त करना चाहते इस मनुष्य की बुद्धि को समझना बहुत मुश्किल है वही रशिया के लोग बस एक बार पाया जम गए अब उधर देखना नहीं हमको यही चाहिए अब हमें शांति मिल गई सुकून मिले इस शांति में हमें बैठना हमें कोई चीज नहीं चाहिए इस कुंडलिनी का जागरण क्या मैं थोड़ी पहली मर्तबा कर रही औरों ने भी किया लेकिन तब में और अब में एक ही फर्क है कि ये जागरण पहले एक दो ही लोगों का होता था क्योंकि इस जीवन के वृक्ष में एक दो ही फूल लगते थे आज हजारों फूल लगे हुए और हजारों फूल फल हो सकते ऐसा समा है और इसके बारे में पहले ही से भविष्य है कि ऐसा समय आ गया या हजारों लोग इस चीज़ को प्राप्त करेंगे तो क्यों नहीं इसे प्राप्त किया जाए किस लिए इस पर पीछे हटना मेरे ख्याल से समय को चूकना है बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन हमारे अंदर में ही घटित होने वाला है और उसके बाद देखिए क्या मज़ा आता है और आप क्या हो जाते ही? कितने शक्तिशाली कितने प्रभावी और उतने ही स्नेहमय उतने ही प्रेममय जितनी वो सब एक साथ गिर जाती है आप बहुत बड़ी चीज़ है ये लोग जो प्रदेश से आए ये तो सोचते हैं कि महाराष्ट्र में पैदा हुआ आदमी मानिए कोई तो भी बड़ा ही पुण्यात्मा हो सकता है वाकई में ये सोचते आपको पता नहीं अभी हम एक देहात्म में गए थे तो उन्होंने पैर नहीं छुए बस बाकी तो इतना मान किया वहां के देहातियों का कुछ पूछे जैसे कि महान पुण्यात्मा है और मैं तो देखती रहे मैं क्या, क्या कहे अपने देशवासियों की बुराई इनसे क्या करना तो मैंने कहा कि ऐसा तुमको क्यों लगता है पहले माँ ये महाराष्ट्र है यहां तो सारे विश्व की कुंडली नहीं इस देश में जन्म लेने के लिए तो इन्होंने बड़े ही पुण्य किए होंगे पूर्व आमी बहुत पुण्य के लिए हमने इन्होंने बहुत ही पुण्य किए होंगे जो इस पुण्य भूमि में नहीं जन्म लिया है लेकिन हम लोगों ने इतने पुण्य नहीं किए इसीलिए इन गंदे देशों में हमने जन्म लिया तो ये मैं कहूंगी कि हम लोगों को भी अपनी पूरी पहचान नहीं है अपने को जानना है कभी कभी मैं एक किस्सा सुनाती हूँ कि एक टेलीविजन का डब्बा आप देहात में ले जाएं, उन्होंने कभी देखा ही नहीं और कहो कि इसमें सब तरह के गाने और सब तरह के चित्र आएंगे वो कहेंगे वाह वाह एक डब्बा है इसमें क्या आने वाला है क्यों बेकार की बातें करते हो इसी तरह हम अपने बारे में सोचते हैं हाँ हम एक इंसान है बस और क्या है लेकिन जब उसका कनेक्शन लग जाता है तो आप देखते हैं कि क्या कमाल की चीज़ बनाई है अरे जब मनुष्य इतनी कमाल की चीज़ बनाता है तो उसने कितनी कमाल की चीज़ आपको बनाया होगा अपने को जाना ही नहीं अपने को पहचानो और अपनी शक्ति को जानो लेकिन सहयोग में मेरे लेक्चर में तो हजारों लोग आ जाते हैं पता नहीं क्यों लेकिन उसके बाद पनपते नहीं ईसा मसीह ने जो कहा है कि कुछ बीज हैं वो तो पत्थर में ही पड़े रहे वैसे हैं कुछ बुद्धिवादी और कुछ बीज जो हैं वो ऐसे दलदल में फंस गए कि पनप के खत्म वो दलदल में फंसे थोड़ा सा अंकुरित हो गए उसके बाद खत्म अब सोचे जो बीज थोड़ा सा अंकुरित हो जाओ किस काम का और उसके बाद कुछ बीज ऐसे हैं कि वो अंकुरित हुए और उनसे वृक्ष तैयार हुए और ऐसे भी सहयोग में लोग हैं कुछ मॉडर्न लोग कि जो शॉपिंग करते हैं चलो आज माता जी क्या चलो यहाँ चलेंगे फिर वहाँ फलाना है उसके चलेंगे फिर वहाँ ठिकाना है वहाँ अरे भाई जहाँ आपको थोड़ा सा पानी मिल गया वहीं आपको खोदते हो कि हर जगह खोदते रहोगे अपने लिए तो गड्ढे बनाओगे और गुरु इसलिए भी लोगों को अच्छे लगते हैं क्योंकि गुरु कुछ कहते नहीं जैसा भी चलना है चलो बस पैसे आप मुझे दे दीजिए गुरु पैसे खाते हैं और क्या और ये ऐसे समझ लीजिए मैं आपसे साफ बता रही मैं आपकी माँ हूँ कि जो आदमी भगवान के नाम पे पैसा लेता है वो आदमी कभी भी किसी हालत में भी कोई भी परमात्मा का कार्य नहीं कर सकता अब ठीक है इन्होंने ये टेलीवि ये लगाया वो लगाया और ये लेके आए इनका ट्रैवलिंग हुआ ठीक है उसके लिए पैसा लग सकता है उसके लिए पैसा इकट्ठा करने मुझसे कोई मतलब नहीं मैं कुछ देखती नहीं उसका आप हिसाब किताब जानिए। लेकिन कोई कहे कि पैसा देकर आप कुंडलिनी जागृत करें तो ऐसा ही हुआ कि आप पैसे गाड़ दीजिए तो आपके खेत हरा भरा हो जाए ये माँ ये पृथ्वी ये आपको इतना देती है ये क्या लेती है आप जो कुछ आप डालिएगा वो पना पाएगा ऐसा ही प्रेम सर्वशक्तिमान प्रभु का चारों तरफ इन लोगों के झांसे में मत आना इन लोगों की बातें में मत आना कि परमात्मा नहीं पहली बात और दूसरी बात यह है कि जो लोग परमात्मा के नाम पे पैसा खाते हैं और जो ढोंगी लोग हैं उनके पास नहीं जाना तीसरी चीज जो हमारे अंदर अंधता से बहुत सी चीज आ गई उसका भी पड़ताला होना चाहिए ये ठीक है या नहीं लेकिन इसके लिए हमारे अंदर एक दैवी शक्ति जागृत होनी चाहिए जिससे हम समझे कि ये ठीक है या नहीं भेद अभेद समझने के लिए एक हंस और एक क्या कहते अंसा पीक, पीक को क्या कहते कहते हैं हैं बगुला बगुला और हंस दोनों सफेद लेकिन जो हंस होता है उसको नीरक्षीर विवेक होता है इसी तरह जब तक आपके पास ये नीरक्षीर विवेक नहीं आ जाता है आप कुछ भी करें माफ ये भी नहीं सोचना मैंने ये पाप किए बहुत से लोग मेरे लेक्चर सुन के ये सोचते हैं कि भैया मैंने गलती कर दी कोई नहीं आप इंसान है इंसान ये गलती करेगा तो क्या भगवान करेंगे बिल्कुल ये नहीं सोचने का कि मैंने ये गलती करी मैं बड़ा पापी हूं जो लोग आपसे कहते हैं आप पापी हैं वो महापापी है। किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं अरे भाई आप मानव हैं मानव गलती करता है अगर आप ऐसे ही होते तो अभी जेल में होते यहाँ कैसे बैठे होते तो अपने प्रति एक श्रद्धा अपने प्रति एक आदर और एक आत्मसम्मान लेकर के आप बैठे और दृढ़ निश्चय रखें पूरी तरह से कि आप सब पार हो सकते हैं अभी नहीं सोचना कि हम ऐसे खराब हैं हम वैसे खराब हैं कभी सोचना माँ के आगे तो सारे ही बच्चे एक जैसे होते हैं उसके लिए कोई खराब दिखाई देता है तो आप माँ के सामने बैठे हैं हाँ कोई गुरु हो तो वो शायद जरूर डंडे मारे लेकिन माँ है ना ये तो सारा प्रेम का कार्य है और बड़े ही सुचारू रूप से हो जाता है और इस तरह से चकोर चंद्रमा के कण को धीरे धीरे खींच लेता है इसी प्रकार ये सूक्ष्म ज्ञान आपके अंदर स्थित हो जाता है आपको फिर सवाल रह नहीं जाता शंका रह नहीं जाती पहले तो निर्विचार समाधि स्थापित होगी और उसके बाद निर्विकल्प समाधि हमारे देश की जितनी भी बातें हैं उसमें का जितना भी सार और सत्य है वो आप सहयोग में पाइएगा पर जितनी झूठी बातें हैं वो आप छोड़ दीजिएगा बहुत से लोग चाह रहे हैं कि मुझे सवाल पूछें मैं उनसे विनती करूंगी कि आज आप कृपया अपने सवालात लिख करके के मुझे कल दीजिएगा और उसके बाद मैं उसको जवाब दूंगी मैं इस सवाल का जवाब देने में बहुत होशियार हूँ वजह यह है कि इतना मैंने सफ़र किया है हर तीसरे दिन तो मैं सफ़र करती और इतने लोगों से मिली हूँ कि मैं जानती हूँ ये सवाल क्या है और ये पूछ क्या रहे तो उसमें तो मैं बहुत ही ज़्यादा होशियार हूँ लेकिन मैंने अगर आपको सवाल का जवाब दे दिया इसका मतलब नहीं कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। बिल्कुल भी नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं वो तो आप पर निर्भर है आपको अगर पाना है तो आप पाइएगा और नहीं पाइएगा तो उसको कोई जैसे बीज का अंकुर है उसको कोई आप खींच थोड़ी ना सकते वो जीवंत क्रिया है जो जीवंत क्रिया है वो अपने आप अकस्मात सहज होती है और इसीलिए उस सहजता के नाते मैं आपसे कहूँगी कि आप सहज में रहें अब बताइए पहले ज़माने में लोग हिमालय पे जाते थे सर के बल खड़े होते थे और न जाने क्या गर्दन कटाते थे कि क्या क्या करते थे लेकिन वो पार नहीं होते थे अब उसे हमें क्या करें लेकिन हो सकता है कि हमने ये जो चीज़ ढूंढ के निकाली है कुछ मेहनत तो करी थी लेकिन ये एक माँ के प्यार से जानी हुई चीज़ है जिसको अंदर से ये हमेशा भावना रही बचपन से ही कि किस तरह से ऐसी कोई व्यवस्था में ढूंढ निकालूं क्योंकि मैं तो स्वयं ही ऐसी हुई स्वयं प्रकाशित कि जिससे सब लोग प्रकाश को प्राप्त करें रहे आ मास सामूहिकता से हो जाए हजारों लोग पार हो जाए और वो ढूंढ निकालने के बाद मैंने एक कार्य किया और ये कार्य बड़ा आनंददायी है हमें कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है कोई वोट लेना नहीं है कुछ नहीं करने का लेकिन ये जो मज़ा आ रहा है वो चाहते हैं आप लोग भी उठाएं इतना ही नहीं लेकिन ये हमारा काम है ये हमें करना है ये हमारा मिशन है इसीलिए हम संसार में आए हैं और इसे हम कर रहे हैं